नमस्कार, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। देश के दूरदर्शी एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आपको G20 नए संसद भवन एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए हार्दिक आभार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 11 राज्यों में संचालित होने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के अवसर पर विभिन्न राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े आदरणीय महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, अन्य अतिथिगण और आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। और अब आज के शुभ अवसर पर मैं माननीय केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय रेल मंत्री जी नमस्कार। G20 के सफल आयोजन से भारत को विश्व बंधु के रूप में स्थापित करने और नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बहनों माताओं को 33% आरक्षण देने वाले हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आपका इस वंदे भारत कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देश के 9 राज्यों में उपस्थित माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सांसदगण एवं बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों का स्वागत अभिनंदन है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे सिस्टम में अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन किया है। याद कीजिए, 10 वर्ष पहले स्टेशनों की क्या हालत होती थी। आज स्टेशन साफ सुथरे हैं, नई नई सुविधाएं, लिफ्ट, एस्केलेटर, फुट ओवर ब्रिज इत्यादि तेजी से इंस्टॉल किए जा रहे हैं। देश भर में स्टेशनों की पुरानी व्यवस्था को बदलकर आज की और भविष्य की जरूरतों के अनुसार नव निर्माण किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन की कुछ ही महीनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशन का भूमि पूजन किया था। आज इनमें तेजी से 300 स्टेशनों पर काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व का और विजन का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहां देश को डीजल के भार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2014 से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर बहुत जोर दिया। जहां 2014 से पहले 40 वर्षों में करीब 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, वहीं पिछले 9 वर्षों में 37,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, यानी जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये एक बहुत उपयोगी और बहुत बड़ा आर्थिक प्रगति का एक नया मॉडल है। जैसे जैसे रेलवे अधिक यात्री और सामान ट्रांसपोर्ट करेगी, वैसे वैसे भारत की डीजल और पेट्रोल पे निर्भरता कम होगी। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, क्योंकि आज रेलवे को प्रधानमंत्री जी ने करीब करीब पूरी रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन यानी बिजली पे पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया है। तो यात्री और सामान के ट्रांसपोर्टेशन में डीजल का उपयोग ना होके बिजली का उपयोग होगा। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी हमेशा 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लेके हर कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं। तो इस संकल्प से, इलेक्ट्रिफिकेशन से, नई तकनीक की वंदे भारत ट्रेन से जिस तरह से मिडिल क्लासेस को सुविधा मिलेगी, यात्रियों को सुविधा मिलेगी और रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने से जिस तरह से सामान और यात्री ज्यादा से ज्यादा रेलवे की तरफ शिफ्ट होंगे, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी रेलवे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस दूरदर्शी नेतृत्व और विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी। और अब देश में पहली बार एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आइए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर बनाई गई एक लघु फिल्म। आज हम बात करेंगे आजाद भारत से आत्मनिर्भर बनते नए भारत की। धुआं उड़ाती छुक छुक करती ट्रेनों से लेकर आधुनिक भारत की तेज फर्राटा भरती वंदे भारत एक्सप्रेस तक की। महज 9 से 10 साल पहले तक क्या किसी ने सोचा था कि कभी भारत में वर्ल्ड क्लास स्टेशन होंगे?
क्या कभी भारत में भी विदेशों की तरह सपनों की रेल होगी? नहीं ना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सपना देखा और बदल डाली भारतीय रेल की तस्वीर और तकदीर। और इसी कड़ी में देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की, वंदे भारत। 15 फरवरी 2019 को देश में पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई और देखते ही देखते देश के हर कोने को वंदे भारत ट्रेनें जोड़ रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। आज वंदे भारत ट्रेन विश्व में आत्मनिर्भर भारत की पहचान है और आज एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुभारंभ का ऐतिहासिक अवसर आया है। ये वंदे भारत ट्रेनें अमृतकाल में नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग की प्रतीक हैं। ये 9 ट्रेनें उदयपुर से जयपुर, तिरुनेलवेली से चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलुरु, विजयवाड़ा से चेन्नई, पटना से हावड़ा, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम, राउरकेला से पुरी, रांची से हावड़ा और जामनगर से अहमदाबाद के बीच संचालित होंगी। इन 9 वंदे भारत ट्रेनों में पहले की तुलना में अधिक आरामदायक सीटें, बेहतर एस्थेटिक्स, बेहतर लाइटिंग, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट का बेहतर प्लेसमेंट, साथ ही कई अन्य सुविधाओं को भी अपग्रेड किया गया है। ये वंदे भारत ट्रेनें और बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों को तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएंगी। 11 राज्यों में पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। इन ट्रेनों से देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति, विरासत और धार्मिक स्थलों के बारे में जानने, वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। वंदे भारत ट्रेनें जन सामान्य के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं और अब तक 1 करोड़ से अधिक यात्री इन अत्याधुनिक ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। अमृतकाल में वंदे भारत ट्रेनें 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का नया भारत गढ़ने में अहम योगदान दे रही हैं। जय हिंद। और अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्यों के राज्यपाल श्री, अलग अलग राज्यों में मौजूद मुख्यमंत्री साथी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सदस्य, राज्यों के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे परिवारजनों, देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है, यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों,
नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक 1,11,00,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते हैं। ये ट्रेन उन लोगों की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है जो दूसरे शहर में कुछ घंटों का काम खत्म करके उसी दिन लौट आना चाहते हैं। वंदे भारत ट्रेनों ने पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी ला दी है। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। मेरे परिवारजनों, भारत में आज जो उत्साह और आत्मविश्वास का वातावरण बना है वैसा पिछले कई दशकों में नहीं बना था। आज हर भारतवासी अपने नए भारत की उपलब्धियों से गौरवान्वित है। चंद्रयान 3 की सफलता ने सामान्य मानवी की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग ने हौसला दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है।
G20 समिट की कामयाबी ने ये विश्वास दिया है कि भारत के पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी की कितनी अद्भुत ताकत है। आज भारत के कूटनीतिक कौशल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हम हमारे वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को दुनिया ने सराहा है। अपने इस विजन पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आने के बाद हर सेक्टर में महिलाओं के योगदान और उनकी बढ़ती भूमिका की चर्चा हो रही है। आज कई रेलवे स्टेशनों का संचालन भी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसे प्रयासों के लिए रेलवे की सराहना करता हूं। देश की सभी महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए फिर से बधाई देता हूं। साथियों, आत्मविश्वास से भरे इस माहौल के बीच अमृतकाल का भारत अपनी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक में हर स्टेक होल्डर में तालमेल रहे, इसके लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़े, उसका कीमती समय बचे। ये वंदे भारत ट्रेनें इसी भावना का एक प्रतिबिंब है। साथियों, भारतीय रेलवे देश के गरीब और मिडिल क्लास की सबसे भरोसेमंद सहयात्री है। हमारे यहां एक दिन में जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। ये दुर्भाग्य रहा कि पहले भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया, लेकिन अब हमारी सरकार भारतीय रेलवे के कायाकल्प में जुटी है। सरकार ने रेल बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। 2014 में रेलवे का जितना बजट था इस साल उससे 8 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। रेल लाइनों का दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, भारतीय रेल में
यात्रियों के लिए अगर ट्रेन चलता फिरता घर होती है तो हमारे रेलवे स्टेशन भी उनके अस्थाई घर जैसे ही होते हैं। आप और हम जानते हैं कि हमारे यहां हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के काल के हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी बहुत बदलाव नहीं आया था। विकसित होते भारत को अब अपने रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाना ही होगा। इसी सोच के साथ पहली बार भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण का अभियान शुरू किया गया है। आज देश में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स का निर्माण हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही देश के 500 से ज्यादा बड़े स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। अमृतकाल में बने ये नए स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहलाए जाएंगे। ये स्टेशन आने वाले दिनों में नए भारत की पहचान बनेंगे। मेरे परिवारजनों, रेलवे स्टेशन कोई भी हो, उसका एक स्थापना दिवस जरूर होता है, जन्मदिवस जरूर होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब रेलवे ने रेलवे स्टेशनों का जन्मोत्सव यानी स्थापना दिवस मनाना शुरू किया है। हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पुणे समेत कई स्टेशनों के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया। कोयम्बटूर के रेलवे स्टेशन ने तो यात्रियों की सेवा के 150 वर्ष पूरे किए हैं। ऐसी उपलब्धियों पर वहां के लोगों को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। अब रेलवे स्टेशनों का जन्मदिवस मनाने की इस परंपरा का और विस्तार किया जाएगा, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। मेरे परिवारजनों, अमृतकाल में देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस विजन को संकल्प से सिद्धि का माध्यम बनाया है। 2047 के जब देश आजादी के 100 साल बनाएगा, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर राज्य का, हर राज्य के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी है। पहले की सरकारों में जब कैबिनेट का गठन होता था तब इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी कि रेल मंत्रालय किसको मिलेगा। माना जाता था कि रेल मंत्री जिस राज्य से होगा उसी राज्य में ज्यादा ट्रेनें चलेगी, और उसमें भी होता यह था कि नई ट्रेनों की घोषणाएं तो कर दी जाती थी लेकिन पटरी पर बहुत कम ही उतरती थी। इस स्वार्थ भरी सोच ने रेलवे का ही नहीं देश का बहुत बड़ा नुकसान किया, देश के लोगों का नुकसान किया। अब देश किसी राज्य को पीछे रखने का जोखिम नहीं ले सकता। हमें सबका साथ सबका विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ते रहना होगा। मेरे परिवारजनों,
आज मैं रेलवे के अपने परिश्रमी कर्मचारियों से भी एक बात कहूंगा, जब कोई दूसरे शहर या दूर किसी जगह से यात्रा करके आता है तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा। वो व्यक्ति सिर्फ अपने सफर का अनुभव ही नहीं बताता, वो घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुंचने की पूरी बात करता है। वो बताता है कि रेलवे स्टेशन कितने बदल गए हैं, वो बताता है कि ट्रेनों का परिचालन कितना व्यवस्थित हो गया है। उसके अनुभवों में टीटी का व्यवहार, उसके हाथ में कागज की जगह टैबलेट, सुरक्षा के इंतजाम, खाने की क्वालिटी, सब प्रकार की बातें होती हैं। इसलिए आपको रेल के हर कर्मचारी को ईज ऑफ ट्रैवल के लिए, यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के लिए लगातार संवेदनशील रहना होता है। और आजकल ये बातें जब सुनने को मिलती है कि इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, तो मन को एक खुशी मिलती है। और इसलिए मैं ऐसे जो प्रतिबद्ध रेल कर्मचारी हैं उनकी भी जी जान से बधाई दे करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारतीय रेलवे ने स्वच्छता को लेकर जो नए प्रतिमान घड़े हैं उसे भी हर देशवासी ने नोटिस किया है। पहले की अपेक्षा अब हमारे स्टेशंस, हमारी ट्रेनें कहीं ज्यादा साफ रहने लगी है। आप जानते हैं गांधी जयंती दूर नहीं है, स्वच्छता के प्रति गांधी जी का जो आग्रह था वो भी हम जानते हैं। स्वच्छता के लिए किया गया हर प्रयास गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इसी भावना के साथ अब से कुछ दिन बाद 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, याद रखिए 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। देश के कोने में हो रहा है और देशवासियों के नेतृत्व में हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, बहुत आग्रह है, आप भी स्वच्छता के इस अभियान से जरूर जुड़े। 1 तारीख 10 बजे का समय अभी से पक्का कर लीजिए। गांधी जयंती पर हर देशवासी को खादी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद का मंत्र भी दोहराना चाहिए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। एक प्रकार से पूरा महीना हम प्रयत्नपूर्वक खादी खरीदें, हैंडलूम खरीदें, हैंडीक्राफ्ट खरीदें, हमें लोकल के लिए ज्यादा से ज्यादा वोकल होना ही है। साथियों, मुझे विश्वास है कि भारतीय रेल और समाज में हर स्तर पर हो रहा बदलाव विकसित भारत की और एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं एक बार फिर नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए देश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से देश के अलग अलग राज्यों में संचालित होने वाली 9 वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने का आग्रह करती हूं।
और जैसा कि हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई है। राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। उदयपुर जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, तिरुनवेली मदुरई चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा चेन्नई, पटना हावड़ा, कासरगोड तिरुवनंतपुरम, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी, रांची हावड़ा, जामनगर से अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस इसमें शामिल है। ये वर्ल्ड क्लास वंदे भारत के साथ यात्रियों को तेज सुगम और अधिक आनंददायक यात्रा का अनुभव कराएंगे। और अब हम सबकी तरफ से इस समारोह को गरिमा प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत